हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन लेक्चर नंबर 29। लेक्चर नंबर 29 में हैं हम, 12th क्लास में। क्लास है हमारे पास 12th, ठीक है। और हमारा प्रीवियस वीडियो आपने देखा होगा, उसमें हम बात कर रहे थे जॉब एप्लीकेशन के बारे में, ठीक है। किसके बारे में? जॉब एप्लीकेशन के बारे में हमने बात की थी। आज हम बताते हैं इसके बारे में कि आप इसे कैसे लिखेंगे, ठीक है। बता रही है समझ में? तो देखिए, जॉब एप्लीकेशन के लिए मैंने एक फॉर्मेट आपको बताया था कि जॉब एप्लीकेशन किस तरह से लिखे जाते हैं, और उस फॉर्मेट को मैंने आपसे कहा था कि ये फॉर्मेट सभी प्रकार की जॉब एप्लीकेशंस में हमें काम में लेना है, चाहे वो किसी भी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। जॉब कोई सी भी हो, चाहे वो टीचर की हो, चाहे वो क्लर्क की हो, चाहे वो पीओन की हो, चाहे वो लेक्चरर की हो, चाहे वो प्रोफेसर की हो, ठीक है, चाहे वो किसी कंप्यूटर ऑपरेटर की हो, या कोई भी पोस्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा वो फॉर्मेट था, वो हमें सभी में लिखना है, ठीक है। अब आगे उसमें दो लाइन या तीन लाइन हमने बीच में खाली छोड़ी थी, उनको कैसे पूरा करें कि हम, मैंने कहा था कि ये दो लाइन अपन को अपनी तरफ से लिखनी है। अब अपनी तरफ से उनमें लिखेंगे क्या, ठीक है, उसकी बात हमें आज करनी है, ठीक है। जॉब एप्लीकेशन में एक चीज और वो पूछता है, यदि जॉब एप्लीकेशन एग्जाम में आता है तो वो पूछता है रिज्यूम या बायोडाटा, ठीक है। बायोडाटा लिखना आप जानते हैं, ठीक है। हेडिंग लिखी है आपने, उसके बाद में हम अपना बायोडाटा लिखते हैं, और बायोडाटा ये होता है, ठीक है ना। बायोडाटा किस प्रकार से लिखते हैं आप जानते हैं, बायोडाटा लिखना। बायोडाटा में अपना, ठीक है ना, सबसे पहले देखिए बायोडाटा लिखने का मैं तरीका बता देता हूं। ये हमने एक बॉक्स बना दिया, इसके अंदर हमें बायोडाटा तैयार करना है, ठीक है। उस हेडिंग के बाद पहले वो हमें एप्लीकेशन लिखना है, और उसके बाद में हमें उसका बायोडाटा यानी बायोडाटा तैयार करना है। बायोडाटा का मतलब होता है अपनी सारी डिटेल्स, अपने बारे में जानकारी, आपके नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, फादर्स नेम क्या है, मदर्स नेम क्या है, एड्रेस क्या है, वगैरह वगैरह, ठीक है ना। जैसे आप फॉर्म भरते हो, उसमें सारी इन्फॉर्मेशंस, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशंस जो होती हैं वो दी जाती हैं, उसी तरह से हम यहाँ बायोडाटा तैयार करते हैं, ठीक है। और जब भी जॉब एप्लीकेशन आता है एग्जाम में, तो निश्चित रूप से वो बायोडाटा, या आप इसे रिज्यूम कहें, इसे वो, या करिकुला वीटा कहें, इसे वो एग्जाम में ज़रूर पूछता है, ठीक है। तो पहले हम एप्लीकेशन लिखते हैं, उसके बाद में एक बॉक्स बनाते हैं, और बॉक्स के अंदर ही हमें, ठीक है ना, बायोडाटा तैयार करना है। तो बायोडाटा का केवल मैं यहाँ फॉर्मेट बता रहा हूँ, बहुत आसान है। और आप नंबर एक, सबसे पहले अपना नाम लिखते हैं, तो नाम लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर नाम, जो भी नाम है वो नाम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद में मैंने लिखा फादर्स नेम, यानी फादर का नाम लिखेंगे, ठीक है, फादर्स नेम हो गया, ठीक है। नंबर तीन, और नंबर तीन पे आप लिख सकते हैं किसका, मदर्स नेम, और यहाँ आपका हो गया मदर्स नेम, ठीक है। उसके बाद में नंबर चार, और नंबर चार पे हम लिखेंगे डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ। आप डेट ऑफ बर्थ को ऐसे भी लिख सकते हो, शॉर्ट में यदि लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, DOB, ठीक है। DOB का मतलब आपको समझ में आ रहा है क्या, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, इस तरह से लिखना है, ठीक है। अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, क्लियर होगी बात, समझ में आ रही है बात। फिर आप यहां लिख सकते हो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप कितने पढ़े लिखे हो, ठीक है ना, एजुकेशन, और यहां आपने लिखा क्वालिफिकेशन। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है ये आप लिखोगे, आप 10वीं पास हो, 12th पास हो, BSc हो, BEd हो, इंजीनियरिंग की हुई है, क्या आपने किया हुआ है, ठीक है ना। जो हम ऊपर एप्लीकेशन में यूज लेंगे वही यहां पर हम बायोडाटा में लेंगे, ठीक है, बात आ रही है समझ में। इसके बाद में नेक्स्ट हम लिखेंगे एक्सपीरियंस, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखना है हमें, एक्सपीरियंस, कि आपको एक्सपीरियंस, वर्किंग एक्सपीरियंस लिख सकते हैं, आप एक्सपीरियंस ही लिख दें, कि आपको एक्सपीरियंस कितना है, आप कितने पढ़े लिखे हो, ठीक है, बात आ रही है समझ में। हम क्या कर रहे हैं, हम जॉब एप्लीकेशन में हैं, और जॉब एप्लीकेशन जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया है, मैं फिर कह रहा हूं, यदि ये मेरी बातें आपको थोड़ी समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही हैं, तो जो प्रीवियस वीडियो है उसको एक बार आप देखें, और उसके बाद में इस वीडियो को देखें,
ठीक है, समझ में आ रही बात। एक बात और बता रहा हूँ, जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं चाहे वो हमारे स्कूल से रिलेटेड हो या नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यदि आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, जो भी आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ 100% ये मत सोचना कि ये हमारे सिलेबस से हट जाएगा, नहीं हटेगा। मैं वही चीज़ें को आपको पढ़ा रहा हूँ जो आपके सिलेबस में नहीं हटने वाली हैं, चाहे लॉकडाउन और कितना भी हो जाए, ठीक है ना। लेकिन यदि आपका एग्जाम होगा तो ये चीज़ें आएंगी, तो इनको आप याद करें, ठीक है। तो आपने यहाँ लिखा एक्सपीरियंस, ठीक। एक्सपीरियंस के बाद में आप बहुत सारी चीज़ें और हैं, जैसे आप लिख सकते हैं अपना विलेज, गांव या एड्रेस जिसे आप कहते हैं, या विलेज में नहीं रह रहे हैं आप किसी कस्बे में हैं तो टाउन, ठीक है ना, समझ में आ रहा। फिर लिख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। फिर क्या लिख दिया आपने, डिस्ट्रिक्ट। जिला आपका कौन सा है, ठीक है। फिर आप लिख सकते हैं मोबाइल नंबर, ठीक है, ऐसे ही लिख दे केवल मोबाइल नंबर, बात आ रही है समझ में। फिर आप लिखते हैं पिन नंबर, ठीक है, आपने लिख दिया पिन नंबर, ठीक है। फिर आपने लिख दिया हॉबी, आपकी हॉबी क्या है, ठीक है। इस तरह से और भी कुछ लिखना है, फिर आप यदि लिखना चाहो तो बहुत सारी चीजें हैं, फिर आप लिख सकते हो जैसे जेंडर, मेल हो आप फीमेल हो, ठीक है। यानी 8-10 पॉइंट, अभी बहुत सारी डिटेल्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वो आप आराम से लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रम ये रहना चाहिए इनका, यहां तक रखेंगे बेटर रहेगा, ठीक है। इनका क्रम ऐसे ही, सबसे पहले अपना नाम आए, उसके बाद फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये 3-4 का ये क्रम रखें, बाकी ये उल्टे सुलटे हो रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कि जेंडर आपने यहां लिख दिया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको हॉबी आपने ऊपर लिख दी कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ रही है ना बात। तो इनका ये मतलब नहीं है कि आप इन्हें क्रमबद्ध रूप से लिखे कि नहीं ये इतने नंबर पर है, 4 नंबर पर है, आपको 4 पे लिखना नहीं है, ये आगे पीछे हो जाते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात आ रही है समझ में। अपनी तरफ से और यहां अपनी इंफॉर्मेशन आप बता सकते हो, बहुत सिंपल है। अब जो महत्वपूर्ण बात है वो सुन लें आप एक बार। देखिए नाम उसमें देगा, नाम निश्चित रूप से कहां मिलेगा, प्रेसन में मिलेगा। ये किसमें मिलने वाला है, प्रेसन में मिलने वाला है, 100% मिलेगा, ठीक है। बायोडाटा तभी बना पाएंगे जब उसमें नाम मिलेगा। जो एप्लीकेशन लिखने वाला है उसका ही नाम यहां लिखना है, लेकिन इनमें से एक भी चीज नहीं मिलेगी। और ये सारी चीजें आप अपनी तरफ से लिखनी है, खाली नहीं छोड़ना है। ऐसा नहीं है कि मैंने आपसे कहा है कि लेटर्स या एप्लीकेशन में अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, लेकिन ये बायोडाटा है यहां पर बनाना पड़ेगा आपको। फादर्स नेम आप बना के लिख दें कोई भी, लेकिन खुद का नाम यहां ना लिखें, जो प्रश्न में नाम दे रखा है वही नाम लिखें। मदर्स नाम भी लिख दें, डेट ऑफ बर्थ अपनी लिख दें, बना के लिख दें। एजुकेशन क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग टू पोस्ट लिखनी है जैसा हमने आपको बताया था। एक्सपीरियंस, वर्किंग एक्सपीरियंस लिखना है, 2 साल 3 साल 4 साल का। कस्बा या टाउन लिखना है जहां आप रहते हो, डिस्ट्रिक्ट लिखना है जहां आप रहते हो, स्टेट लिखना है जहां आप रहते हो, मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह ये सारी चीजें लिखनी है, ठीक है। तो ये है बायोडाटा, इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये सिंपल है, आप जानते हैं। और यदि आपको इसमें भी प्रॉब्लम है, इसमें यदि आपको दिक्कतें हैं, कोई बात नहीं है, आप मेरे से बात कर सकते हो, इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि बायोडाटा बहुत आसान है, बोर्ड के एग्जाम में आप फॉर्म भरते हैं वो एक तरह से बायोडाटा ही, उसमें सब कुछ आते हैं, जो कॉलम आते हैं वो सारे कॉलम आप बायोडाटा में लिख सकते हैं। कि नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एड्रेस आता है, क्वालिफिकेशन आती है, जेंडर आता है, रिलीजन आता है, मैरिज स्टेटस आता है, तो बहुत सारे पॉइंट हैं यहाँ। जरूरी नहीं है सारे लिखें, 5-7-10 पॉइंट लिखें, एक अच्छा सा बॉक्स बनाएं, सुंदर सा बॉक्स बनाएं और उसे लिख दें आफ्टर, ठीक है, यानी सॉरी एप्लीकेशन लिखने के बाद एप्लीकेशन के नीचे अलग से ये तैयार करना है, एक बॉक्स बनाना है, ठीक है। हेडिंग में हमने आखिरी लाइन लिखी थी, एंक्लोज हेयर, एंक्लोज माई, आई एम एंक्लोजिंग माई बायोडाटा हेयर विद फॉर योर पर्सनल, कि मैं यहाँ अपना बायोडाटा एंक्लोज कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ। ध्यान रहे ये पार्ट नहीं होता है किसका, एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन हमने अलग लिखा है, उसके साथ में जोड़ कर इसे हमें देना होता है अपने बायोडाटा का। एप्लीकेशन के अंदर इसे नहीं लिखते, अलग से पन्ना होता है ये, तो आप ये अलग से लिखना है। अलग से मतलब आफ्टर एप्लीकेशन कंप्लीशन, यानी एप्लीकेशन पूर्ण होने के बाद में आपको बायोडाटा तैयार करना है, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल सी बात है, खत्म बात होगी, मिटाता हूं मैं इसे, ठीक है। तो ये तरीका है
ये तरीका है बायोडाटा लिखने का कि बायोडाटा किस तरह से लिखा जाएगा। आगे आइए, आगे यदि हम बात करें, अब जो महत्वपूर्ण बात है वो है कि जो दो लाइन है उनके अंदर क्या लिखना है। दो लाइनों में हम क्या लिखेंगे जो हमने बीच में हेडिंग के अंदर जो खाली जगह है। मैं यहां पर चार पांच सेंटेंस आपको बता रहा हूं, वो सेंटेंस सब नहीं आएंगे, लेकिन कुछ सेंटेंस आपको बता रहा हूं जो सभी के बीच में जो खाली लाइन है उनमें लिखना है, और एक दो सेंटेंस अपनी ओर से लिखने हैं। ठीक है, थोड़ा सा थोड़ा सा। तो देखिए, पहली बात, पहला रिक्त स्थान है आपकी हेडिंग के अंदर, यदि आपने कॉपी में नोट किया है तो वो देख लें। ठीक है, और पहली चीज वो मांगता है आपसे नेम ऑफ न्यूज़पेपर। ठीक है, नेम ऑफ न्यूज़पेपर, और नेम ऑफ न्यूज़पेपर ये लिखना है कहां से? प्रसन्न से, अकॉर्डिंग टू प्रसन्न। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। पहला न्यूज़पेपर का नाम आएगा, न्यूज़पेपर का नाम आपको लिखना है, मैं पहले भी बता चुका हूं वो प्रसन्न में दिया होगा वो लिखना है, नहीं दे रखा है तो फिर अपनी तरफ से लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लिखना जरूर है। नंबर दूसरी बात यह है कि नेम ऑफ पोस्ट, नेम ऑफ पोस्ट, पोस्ट का मतलब होता है क्या? पद का नाम। किसका नाम? पद का नाम। और मैंने ये कहा कि 100% ऐसा कभी नहीं होगा कि प्रश्न में पद का नाम ही नहीं हो, समझ में आ रही है बात? तो यहां ये पद का नाम भी किससे लिखना है आपको? ये भी क्वेश्चन से लिखना है। ठीक है, बात आ गई समझ में? दो ब्लैंक स्पेस की हम पूर्ति कर चुके हैं, अब आती है दो तीन बातें कि वो दो लाइन खाली डॉट डॉट वाली जो लाइन है उनमें हम क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। देखिए, दो तीन सेंटेंस यहां लिख रहा हूं, सब में ही लिखने हैं, जो सब में लिखने हैं उनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, जो नहीं लिखने हैं उनको मैं बता रहा हूं कि ऑप्शनल है, ये आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते, वो उन पर आपको विचार करना है। नंबर एक, आपको नंबर एक लिखना है, आई एम सिंसियर एंड हार्ड वर्किंग। ठीक है, आई एम सिंसियर एंड हार्ड वर्किंग, पहला वाक्य लिखें। ठीक है, सभी में आएगा, सभी में जो आने वाले हैं उनके ये डबल निशान हैं, ये ध्यान रखें। चाहे आप किसी भी पोस्ट के लिए एप्लीकेशन लिखें, उसमें एक सेंटेंस हमें जो बीच में लाइन है हमारी हेडिंग के अलावा ये लिखनी है, ये याद करनी है, सब में लिखनी है, चाहे कोई भी पोस्ट हो। दूसरा पॉइंट ये भी सभी के लिए है, और ये लिखना है, आई हैव 3 years एक्सपीरियंस ठीक है, ये भी सभी में लिखना है। अंतर यह है कि हमें यह देख लेना है, 3 साल का, 2 साल का, 4 साल का एक्सपीरियंस मतलब होता है क्या? अनुभव। ठीक है, एक्सपीरियंस मतलब क्या होता है? अनुभव। यदि प्रश्न में अनुभव बता रखा है तो आप प्रश्न से लिखें, नहीं अपने मन से लिखें, 2 साल का, 4 साल का, 5 साल का, 10 साल का, कितना भी लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यदि प्रश्न में दे रखा है तो फिर वही लिखना है, अपनी तरफ से नहीं लिखना है। नंबर तीसरा पॉइंट लगभग सभी में आएगा, ठीक है ना, लगभग सभी में आएगा, आई हैव बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, क्लियर होगी बात? आजकल आप जानते हो, कोई भी पोस्ट हो, कोई भी पद हो, कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान आपको होना चाहिए। ठीक है,
बेसिक नॉलेज, नॉलेज मतलब होता है ज्ञान, और वो आगे होता है कंप्यूटर का। अभी तक मैंने 3 सेंटेंस लिखे हैं, ठीक है, अभी तक मैंने 3 सेंटेंस लिखे हैं, और ये सेंटेंस सभी में लिखने हैं, चाहे कोई भी पोस्ट हो, चाहे वो छोटी सी पोस्ट हो, चाहे बड़ी पोस्ट हो, सब में ही लिखने हैं ये दोनों तीनों पॉइंट्स। ऐसे ऐसे नहीं लिखने हैं, ये जो खाली लाइन है, 2-3 लाइन जो बीच में खाली हैं उनमें लिखने हैं, क्रम से, ऐसे नहीं कि एक 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 में एक लाइन में एक ही लिखें, नहीं, ये लाइन यहाँ ख़त्म, इससे आगे इसको जोड़ दें, इसके आगे इसको जोड़ दें, जहाँ भी ख़त्म होती है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और देखिए, ये जरूरी नहीं है सब में आए, अकॉर्डिंग टू पोस्ट आएंगे, ये ध्यान रखें, ये गोला का निशान है, ठीक है, ये गोला का निशान है, ध्यान रखें, ये कॉमन नहीं है, ये सब में नहीं आएंगे। मैं यहां लिख रहा हूं, आई हैव गुड कमांड, आवर इंग्लिश स्पीकिंग, मुझे अंग्रेजी बोलने का अच्छा अभ्यास है, अच्छी पकड़ है। अब देख लें, आप ऐसा नहीं है पीओन की जगह निकलिए, यहां पे लिख रहे हो, अंग्रेजी बोलना आना चाहिए कि नहीं, तो ये पोस्ट का ध्यान रखें, अकॉर्डिंग टू पोस्ट होगा, मैंने पहले कहा है, ठीक है ना। आगे ये भी देखिए, सब में नहीं है, आई हैव गुड कमांड आवर इंग्लिश एंड हिंदी टाइपिंग, यानी हिंदी और इंग्लिश टाइप, जानते हो आप, जो टाइप करते हैं कंप्यूटर पे, जो टाइप करते हैं उसका मुझे अच्छा अनुभव है, अच्छी पकड़ है। अब ये नहीं है कि एक टीचर की जगह निकले आप टाइपिंग का ये सेंटेंस लिख रहे हो, गलत हो जाएगा, ये पद देखना है आपको, उसके अनुसार आपको लिखने हैं, ठीक है, समझ में आ रही है बात। ये क्या करना है, पद देखना है और उसके अनुसार ही लिखना है, वैसे नहीं लिखना। चपड़ासी की जगह है, आप ये कह रहे हो टाइपिंग, क्या जरूरत है टाइपिंग की, 4th क्लास की जगह, ड्राइवर की जगह है, मुझे अच्छी टाइपिंग की नॉलेज है, क्या मतलब है, ठीक है। हाँ, लेकिन यदि आप, जैसे मैंने कहा कि कंप्यूटर ऑपरेटर की जगह है, तो आप ये सेंटेंस भी लिखें, ये सेंटेंस भी लिखें, सबको लिख दें। मैंने कहा टीचर की जगह है, टीचर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जॉब एप्लीकेशन लिख रहे हैं, ये लिखेंगे, ये तो लिखेंगे, ये भी लिखेंगे, ठीक है, यदि इंग्लिश का है तो ये लिखेंगे, नहीं तो ये भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये 3-4 सेंटेंस हैं जिनमें ये 3 सेंटेंस तो सभी में लिखना है, लगभग लगभग 99% में ये तो लिखने ही लिखने हैं, कंपलसरी है ये, ठीक है। इनमें से जो पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको दिख रहा है, सूट कर रहा है, उसे आप लिख दें, और नहीं कर रहा है तो ना लिखें, ठीक है, क्लियर होगी बात, समझ में आ रही है मेरी बात, इस तरह से। तो ये ध्यान रहे, ऐसे 3 लाइनों में नहीं लिखने हैं, एक लाइन लिखी, इसके पीछे ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, बात आ रही है समझ में। आप ऐसा ना करें कि साहब नहीं, ऐसे 3 लाइन अलग अलग कर दें, आप नहीं करनी है, कोई पैराग्राफ चेंज नहीं करना है, कोई बात नहीं। हाँ, यदि समझ में नहीं आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वीडियो देखते रहें, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से इन्हें हम यूज करते हैं। जैसे आज मैं प्रश्न लिखा रहा हूं, और कल उस प्रश्न से पहले आप बनाकर देखें, फिर हम आपको बनाकर बताएंगे कि किस तरह से लिखना है, ठीक है। तो आज देखिए, प्रश्न लिखता हूं, पहले एक प्रश्न देख लें, इसे बनाएं जॉब एप्लीकेशन को, और नहीं बनता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, कौन सा क्या लिखना है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम उसमें बात करेंगे। ये रहा प्रश्न नंबर 1। मैंने लिखा राइट इन एप्लीकेशन राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ
नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल मालाखेड़ा फॉर द पोस्ट ऑफ एन इंग्लिश फॉर पोस्ट ऑफ इंग्लिश लेक्चरर, यानी इंग्लिश लेक्चरर के लिए आपको एप्लीकेशन लिखना है किसको, प्रिंसिपल को, नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के। ओके, गॉट इट? ठीक है, अब आप कौन हो ये मैं यहां लिख रहा हूं, यू आर मुकेश शर्मा फ्रॉम फ्रॉम 7/112 रामनगर अलवर। बात आई? तो ये है पद का नाम, आपको दिखा है इसके अंदर क्या है पद का नाम, इंग्लिश लेक्चरर है। आपका नाम क्या है, मुकेश शर्मा है। आप कहां से हो, ये रहा आपका एड्रेस। ठीक है, बात तो आई समझ में, ये आपका एड्रेस हो गया। पोस्ट है कौन सी, इंग्लिश लेक्चरर की। इंग्लिश लेक्चरर में क्या करेंगे आप, किस तरह करेंगे, ठीक है, वही सेम प्रक्रिया जिस तरह से हम एड्रेस लिखते हैं। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि एड्रेस लिखने हैं हमें, ठीक है, तो सबसे पहले हम एड्रेस सबसे ऊपर लिखेंगे लेफ्ट हैंड की ओर, और वो लिखेंगे इसका क्या, एड्रेस। एड्रेस दोनों में बता रहा हूं किस तरह से लिख रहे हैं। हमने यहां लिखा 7/112 कॉमा लगा दें, मकान नंबर के बाद हमें कॉमा लगाना है। इसके बाद रामनगर और इसके नीचे कहां पर है, ये अलवर में है। क्लियर बात? आर बड़ा, एन बड़ा, हमने हमारी तरफ से कुछ नहीं लिखा है, सब कुछ पेपर से, सब कुछ क्वेश्चन से लिखा है। ठीक है, हमने कुछ भी ऐड नहीं किया है अपनी तरफ से। अब ऐड करेंगे डेट, और डेट आपको पता है, मैं बता चुका हूं, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन की डेट आप यहां डालेंगे। ठीक है, तो मैंने यहां डाल दिया 12 फरवरी 2021। फर्स्ट एड्रेस कंप्लीट हुआ, प्रसन्न से टीपा है, डेट हमने अपनी तरफ से लिखी है। ठीक है, ध्यान रहे, यदि एड्रेस हो सकता है नहीं हो तो क्या लिखना है आपको पता है, एग्जामिनेशन हॉल। ठीक, बात आ रही है समझ में? एक लाइन खाली रहेगी, पैटर्न ध्यान रखें, ये खाली है तो इधर नहीं जाएंगे, सिस्टम से होना चाहिए। अलवर यहीं लिखेंगे, यहां नहीं लिखेंगे, हम बात कर चुके हैं ये फॉर्मेट, जब जॉब एप्लीकेशन का फॉर्मेट हमने तैयार किया तो हमने आपसे बात की थी। अंडरस्टैंड? ओके, नेक्स्ट, दूसरा एड्रेस किसको लिख रहे हैं, आपको पता है किसको लिख रहे हैं, द प्रिंसिपल नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और ये कहां पर है, मालाखेड़ा में। तो एक लाइन खाली देंगे और उसके बाद में हम लिख देंगे यहां पे, एक लाइन खाली देकर हमने यहां पर लिख दिया, और यहां पर लिखा है हमने द प्रिंसिपल, नीचे लिखा नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और इसके नीचे आपने लिख दिया क्या, माला। इसके नीचे क्या लिख दिया आपने, मालाखेड़ा। बात क्लियर, बात खत्म, दोनों एड्रेस हो गए, ये देखें। इसके बाद ध्यान रखें, एक लाइन खाली देंगे और एक लाइन खाली के खाली लिखने के देने के बाद हमें लिखना है क्या, सब्जेक्ट। क्या लिखना है, सब्जेक्ट। तो यहां हमने एक लाइन खाली किया
और यहाँ पर लिख दिया क्या, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में हमें लिखना है, फिक्स है ये, एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहां तक तो हमने लिख रखा था। अब प्रश्न से टीप कर लिखना है जो सब्जेक्ट है, एन इंग्लिश लेक्चरर, तो वो हमने प्रश्न से लिखा एन इंग्लिश लेक्चरर, ठीक है। तो ये हुआ हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में टीप कर लिखा है, प्रश्न से लिखा है, और ये नाम लिखा है यहां पद का नाम आपके ब्रैकेट में डॉट डॉट लगा के हमने लिख रखा है, और पद का नाम किससे लिखना है, प्रश्न से लिखना है, 100% प्रश्न में मिलेगा। आप कहें सर नहीं मिला तो क्या करेंगे, नहीं मिला तो ये एप्लीकेशन वो लिखवाए गए नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है एप्लीकेशन किसको देना है, तो ये तो ठीक है ना, ये बाईवाद प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न नहीं होंगे। एक लाइन फिर यहां खाली आप छोड़ देंगे, ठीक है, एक लाइन यहां खाली छोड़ देंगे और फिर लिखेंगे सर, ठीक है। क्या लिखा आपने, सर, सर के बाद क्या लगाया आपने, कॉमा, क्लियर होगी बात। ये लाइन बिल्कुल खाली रहेगी, इसमें कुछ भी नहीं लिखेंगे। अगली लाइन लिखना चालू करेंगे यहां से, दिस इज, लिख लें आप, दिस इज विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन राजस्थान पत्रिका, जो भी आपको डेट, जो भी नाम लिखना है अखबार का, न्यूज़पेपर का, वो लिख सकते हैं, क्योंकि प्रश्न में किसी भी न्यूज़पेपर का नाम नहीं आया है, ठीक है। उसके बाद डेट और लिखनी है, वो डेट इससे मैच करती हुई होनी चाहिए, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। जिस दिन वो एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में आया है उस दिन की हमें डेट लिखनी है, बात आ रही है समझ में, आप इसे करें, प्रयास करें सब इसे पूर्ण करने का, इसे लिखने का, नहीं होता है हम इसे करके आपको बताएंगे। ध्यान रहे, 4-5 सेंटेंस मैंने आपको लिखाए हैं, 5 सेंटेंस लिखाए हैं, वो उनको में से आपको निर्णय लेना है, आपको डिसीजन करना है कौन सा उनमें लिखना है और कौन सा नहीं लिखना है, क्लियर होगी बात। 3 सेंटेंस सब में कॉमन है, वो सभी में लिखने हैं। आप 2-3 सेंटेंस हमने लिखे हैं कि इंग्लिश स्पीकिंग, क्या इंग्लिश के टीचर को वो चाहिए, हाँ बिल्कुल चाहिए, तो वो सेंटेंस भी इसमें आ जाएगा, लेकिन टाइपिंग वाले की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है, उसे इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। बाकी नीचे जो लाइन है हमारी फिक्स है, वो ऐसे कैसे लिखनी है, बायोडाटा बनाने की बात, बायोडाटा तैयार करने की इसमें जरूरत नहीं है, मैं आपको करवा कर बता चुका हूं, ठीक है, ठीक है। तो देखते रहिएगा नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आगे बात करते हैं इसके बारे में, 2-4 प्रश्न और आपको बताए जाएंगे, उनको आप लिख सकते हैं आराम से घर पे बैठकर, ठीक है, और इसके बाद चलते हैं फिर अगले फॉर्मेट की ओर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।